हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक। नाम है टॉपिक का परमाणु का बोर मॉडल या हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं परमाणु के बोर मॉडल में एक थॉमसन का मॉडल पढ़े थे, सॉरी परमाणु के मॉडल में हम लोग पढ़े थे एक थॉमसन का मॉडल और एक पढ़े थे रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत सारी कमियां देखी गई थी, जैसे कि वह परमाणु के अस्थायित्व को नहीं बतलाता था, वह स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाता था। तो फिर रदरफोर्ड के मॉडल का अध्ययन किया किसने, बोर ने, और बोर ने एक अपना नया परमाणु का मॉडल दिया, है ना। तो आइए देखते हैं कि नया परमाणु का मॉडल बोर का क्या है और इसमें भी क्या कोई कमियां रह गई, है ना। तो इसमें भी देखा गया कि कुछ कमियां थी, लेकिन यह जो बोर मॉडल था यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए सबसे परफेक्ट मॉडल था। यानी कि यह जो बोर का मॉडल था हाइड्रोजन परमाणु की पूर्ण व्याख्या कर रहा था, इसलिए इस परमाणु के बोर मॉडल को हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल भी कहा जाता है। तो देखिए क्या है लिखा हुआ है, परमाणु के अस्थायित्व तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल पर प्लैंक चुंबकीय सिद्धांत लगाया तथा निम्नलिखित अभिधारणाएं दी। बोर साहब ने क्या किया कि अस्थायित्व तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड के मॉडल पर प्लैंक का कुछ चुंबकीय सिद्धांत लगाया तथा निम्नलिखित अभिधारणाएं दी। तो देखिए क्या है अभिधारणाएं बोर मॉडल की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बोर मॉडल क्या है, तो ये लिखने के बाद उसकी अभिधारणाएं को लिखना होगा, है ना। तो यह है बोर मॉडल की अभिधारणाएं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि परमाणु में एक सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता है जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। तो आपको याद होगा कि परमाणु के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा होते थे और बीच में एक सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता था, और इसी केंद्र को, ये वाला जो केंद्र है, इसी केंद्र को हम लोग क्या कहते थे, नाभिक। ये था तो बोर ने भी वही कहा, ये भी रदरफोर्ड साहब ने भी कहा था और बोर ने भी ये कहा कि नहीं, जो परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता है उसे हम लोग नाभिक कहते हैं। पूरा परमाणु का कुल धनावेश और कुल द्रव्यमान लगभग यहीं पे नाभिक में ही होता है, बाकी सारा जगह तो खाली है। तो सारा द्रव्यमान कहाँ होगा, नाभिक में, और धनावेश कहाँ होगा, इसी नाभिक में। हाँ, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो कैसे चक्कर लगाते हैं, आइए देखते हैं। सेकेंड वाला, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनमें इसके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है ना। अब देखिए कोणीय संवेग का मान क्या होता है, अब कोणीय वेग क्या होता है, तो आप जानते हैं कोणीय वेग क्या होता है। तो कोणीय वेग इक्वल टू होता है v × r। अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार गति कर रहा हो, जैसे आप देख सकते हैं कि वृत्ताकार इसका त्रिज्या r हो और वेग v हो, तो इसका कोणीय वेग कितना होता है, v × r। अब संवेग क्या होता है, mv, तो कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, mv × r। तो ये जो कोणीय संवेग है यह h/2 का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब यानी कि h/2 में जब भी कोई चीज गुना होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि पूर्णांक का गुना होगा, है ना। तो इसलिए इसको लिखा गया हुआ NH/2π। यहाँ n का मान 1, 2, 3 कक्षा की क्रम संख्या, और यह n क्या है, कक्षा की क्रम संख्या। यानी कि पहली कक्षा में कितना होगा कोणीय इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में करेगा, तो वो पहला कक्षा वो होगा जिसका कोणीय संवेग h/2π हो। दूसरा कौन सा होगा, जहां 2h/2π हो। तीसरा कक्षा कौन सा होगा, 3h/2π होगा। तो केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। अगर h/2 का पूर्ण गुणज नहीं होगा तो वो कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, निश्चित त्रिज्या के स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते समय। अब देख सकते हैं आप, निश्चित त्रिज्या के कक्षा में चक्कर लगाते समय, अब किसमें लगाएगा वो तो आपको पता ही है, फिक्स है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, निश्चित। तो कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है जिससे परमाणु का स्थायित्व तो बना रहता है, इन्हीं निश्चित कक्षाओं को अस्थायी कक्षा कहते हैं। अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन के उस उन्होंने सीधे कह दिया था कि वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब वृत्ताकार कक्षा में तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते लगाते वो उसका ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो उसका वृत्ताकार पथ छोटा होते 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 कहां पहुंच जाएगा, जैसे यहां चक्कर लगाया, चक्कर लगाते लगाते छोटा होते होते कहां पहुंच जाएगा, नाभिक में। अब नाभिक में पहुंच जाएगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन प्लस होता है, जल जाएगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन का यानी परमाणु का अस्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। तो बोर साहब ने यह कहा कि नहीं, जो निश्चित कक्षा में अगर त्रिज्या में चक्कर लगाएगा, निश्चित त्रिज्या की स्थिर कक्षा में अगर चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहां ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, है ना। जिससे क्या होगा कि
कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं जाएगा तो परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है, और जिस निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी कक्षा। तो कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं। अब अगला देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है तो यह अस्थायी कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर ऊर्जा मिलेगा तो मान लीजिए को पहला कक्षा में है तो उच्च कक्षा, दूसरा में चला जाएगा, दूसरा में है तो तीसरा में, इस तरह से उच्च कक्षा में जाएगा। यह परमाणु की उत्तेजित अवस्था होती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट। परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में जाने लगे तो उसको परमाणु की उत्तेजित अवस्था कही जाती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भीतरी कक्षा में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। वैसे ही जब दूसरा से पहला में आएगा, तीसरा से पहला में या तीसरा से दूसरा में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी बाहर फेंकेगा, है ना। अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा ऊंची कक्षा तथा नीची कक्षा के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। अब कितना ऊर्जा, अगर नीचे से ऊंचा गया है तो वो अवशोषित करेगा ऊर्जा, और ऊंचा से नीचा आया है तो वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो कितना ऊर्जा अवशोषित किया या कितना ऊर्जा उत्सर्जित किया, तो वो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बराबर कितनी होती है, E=hν। और इन्होंने क्या लिखा है कि अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा ऊंची कक्षा तथा नीची कक्षा के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गया तो उसका अंतर कितना होगा, E₂-E₁, और यही जो होगा वह hν होगा। न्यू पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, न्यू, तो hν के बराबर होगा। तो ये जो फोटोन की ऊर्जा होती है hν होती है, और वह आप ये आप पढ़ चुके हैं ना ड्यूअल नेचर में, यानी कि विकिरण तथा द्रव्यमान की द्वैत प्रकृति में, है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि hν था ऊर्जा, और वह ऊर्जा किसके बराबर है, तो ऊंची कक्षा तथा नीची कक्षा के अंतर के बराबर है। तो उम्मीद है कि तीसरा पॉइंट पे आपको समझ में हो गया होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, कि चौथा पॉइंट में क्या दिया हुआ है। अब इसमें चौथा पॉइंट में है कि इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये अगर नाभिक है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में घुमाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा, यानी कि जो फोर्स सेंट्रीपिटल होगा, वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो इस आवेश प्लस और इस आवेश माइनस के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कूलम के नियम पढ़े चुके हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 1/4πε₀Q₁Q₂R2। तो आप देख सकते हैं कि एफसी होगा, एफसी बराबर क्या होगा, 1/4πε₀Q₁Q₂R2 के होगा। तो ये था, अब देखिए फोर्स सेंट्रीपिटल यानी कि अब केंद्रीय बल क्या होता है, mv²r, अरे 1/4πε₀। अब मान लेते हैं कि यहां पे कौन सा आवेश होगा, तो यहां पे आवेश अगर एक प्रोटॉन है तो एक ही होगा, दो प्रोटॉन है तो दो ही होगा, इसलिए यहां पे जेड लिख दिया गया कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आवेश होगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो इसका आवेश ई ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि ZE × E क्या हो जाएगा, ZE²/R²। तो ये आ गया आपका कि जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होता है वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के प्राप्त होता है। ये किसने कहा, बोर ने कहा अपने चौथे अभिगृहित में। तो इस तरह से बोर ने अपने चार अभिगृहित के द्वारा समझाया कि क्या है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक बात हम कहे थे कि यह जो बोर का मॉडल है यह हाइड्रोजन परमाणु के लिए परफेक्ट है, बाकी और परमाणु के लिए इसमें कमियां हैं लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए परफेक्ट है। कभी कभी सवाल यह भी पूछ दिया जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी कक्षा की ऊर्जा, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, है ना। या फिर यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो आप देख लीजिए उसका फॉर्मूला होता है E=-13.6/N²eV। तो किसी भी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, -13.6 N²/N²eV। ये किसके होगी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे आगे कि कैसे आया ये। अब यहां पे n क्या है, कक्षा की संख्या। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा की ऊर्जा n=1 है, है ना, पहली कक्षा 1 है, तो यहां 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। दूसरा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा का ऊर्जा 2 है, यहां पे 2 का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 से भाग करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि यहां से पहली से दूसरी कक्षा में आने तथा दूसरी से पहली कक्षा में आने पर क्रमशः अवशोषित तथा उत्सर्जित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो पीछे आप देख चुके हैं कि जो दोनों कक्षाएं हैं उनके ऊर्जाओं का अंतर ही होता है अवशोषित या उत्सर्जित। तो hν बराबर क्या होगा, E₂-E₁। तो -E₂ कितना है, -3.4,
और इवन कितना है, -13.6, तो लिख दिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 13.6 में से 3.4 जाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना हो तो या तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को अवशोषित करना होगा या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को उत्सर्जित करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।